बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अरसलान गोरी अपने यूट्यूब चैनल के साथ। दोस्तों आज आप ड्रामा सीरियल हम सफ़र, मेरे हम सफ़र हैं जो उसकी आखिरी किस्त आपने देख ली होगी और ये तकरीबन 40 किस्तों पर मुहित एक ARY डिजिटल की ड्रामा सीरियल थी जो काफ़ी हिट रही और ब्लॉकबस्टर। आज इसकी आपने एपिसोड देखी होगी जो 40वीं किस्त इसकी जारी हो चुकी है और आपने इसमें देख लिया होगा कि जो हमज़ा हैं और हाला है जिनके नशेब व फराज आए इस ड्रामे के अंदर, काफ़ी एक दूसरे से तंग थे। शादी होने के बावजूद एक दूसरे के ऊपर कुछ मसाइल थे उनके साथ जो आम जिंदगियों के अंदर होते हैं, इसमें उन्हीं मसाइल का अहाता किया गया था इस ड्रामा के अंदर। और हाला और हमज़ा का जो किरदार इसमें दिखाया गया है और उसकी जो ताई जान है जो शाहजहाँ, उसका रवैया दिखाया गया है कि वो सास भी है उसकी और ताई भी है, तो कैसा वो रवैया रखती है अपनी बहू के साथ। तो ये जो हमारी माशरती ज़िंदगी के मसाइल हैं उस पर ये अहाता किया गया था और तकरीबन 40 किस्तें इसकी मुकम्मल हो चुकी हैं और आज आखिरी किस्त है। और आपने इसमें देख लिया होगा कि जो शाहजहाँ है जो अपनी इस अना के खोल के अंदर बंद है और जो अपनी ही बातों को मनवाना चाहती है, उसका बेटा जो है वो उसे छोड़कर चला गया है ऑस्ट्रेलिया। हमज़ा की और हाला की जो आपस की बातचीत है वो दोबारा से उनकी ज़िंदगी एक दूसरे से जो गलत फहमियाँ थी वो तकरीबन ख़त्म हो गई हैं और उसमें सबसे बड़ा जो किरदार था वो उसकी ताई थी, जो सास उसकी शाहजहाँ बेगम थी। और हमज़ा जो था उसका एक अच्छा किरदार रहा इस ड्रामे के अंदर कि वो काफ़ी उसने कंप्रोमाइज़ किया। पहले जो हाला थी वो उसका किरदार था कि वो एक मासूम सी लड़की है और काफ़ी हमदर्दियाँ थी लोगों के साथ, लेकिन ड्रामे में बार बार फिर उसके अंदर भी कुछ गलत फहमियाँ पैदा हुई, वो अपनी ईगो के अंदर आ गई, अना में आ गई और उसने फिर हमज़ा की नाक की लकीरें निकलवा दी ड्रामे के अंदर। हमज़ा रो भी पड़ा इस ड्रामे के अंदर, यानी कि अपनी बीवी के लिए। और फिर जाके हमज़ा का जो किरदार है वो इस ड्रामे के अंदर जाके एक आप समझ सकते हैं कि उसको लोगों की हमदर्दियाँ उसको हासिल हो गई, उसे सिंपथी हासिल हो गई। और हाला को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया कि जी अपना इतनी भी नहीं होना चाहिए लड़कियों को कि अगर एक इंसान उनके साथ अच्छे तरीके से बातचीत करता है तो, और वो उसका मियाँ है तो उसको भी चाहिए कि वो भी अपना अच्छा रवैया रखे उसके साथ, क्योंकि बंदा जो है वो सारा दिन घर से बाहर रहता है, काम शाम करता है, औरतें भी घरों में काम वगैरह करती हैं और घर पर मौजूद होती हैं, तो दोनों तरफ से मसाइल होते हैं लेकिन बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए। यही इस ड्रामे के अंदर दिखाया गया कि दीगर जो मसाइल हैं, और उसमें सबसे बड़ा जो किरदार था शाहजहाँ बेगम का किरदार था जिसको दिखाया गया कि उसमें काफ़ी उसने अपनी बेटी के लिए भी मुश्किल पैदा की, अपने बेटे के लिए भी की, अपनी बहू के लिए भी मुश्किल पैदा की, अपने खावंद के साथ भी उसका रवैया इतना अच्छा नहीं था। और उसमें ड्रामे में कई दफ़ा तो लोगों ने ये भी कहा कि शायद आखिर में जाके शाहजहाँ को जो है वो पागल कर देंगे इस ड्रामे के अंदर, या मार देंगे या कुछ और ऐसा अच्छा यानी कि उसके साथ नहीं होगा। लेकिन उसमें जो एक उन्होंने समाजी पहलू जो दिखाया कि उसको सज़ा ये दी गई है कि उसका बेटा जो हमज़ा है वो अपनी बीवी और बेटी के साथ चला गया ऑस्ट्रेलिया और अपने वालदैन को अकेला छोड़कर चला गया, ये भी वालदैन के लिए एक बहुत बड़ी सज़ा होती है ज़िंदगी के अंदर कि अगर उनकी औलाद उनको छोड़कर चली जाए, क्योंकि यही मसला होता है कि सारी ज़िंदगी माँ बाप ने औलाद को पाला होता है और औलाद बाद में यही चाहती है कि मामलात अच्छे रहें। माँ बाप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि औलाद के साथ मामला ठीक रहें और औलाद भी यही चाहती है कि भाई आखिरी वक्त में भी, जब यानी कि पहले तो माँ बाप ने हमें पाला है लेकिन आगे भी माँ बाप हम उनको संभालेंगे, उनके साथ अच्छा रवैया रखेंगे। लेकिन जब शाहजहाँ बेगम जैसी ख़वातीन होती हैं, अक्सरियत होती है ख़वातीन की जो अपने बच्चों के मामलों में मुदाखलत करती हैं जिसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं और वो जो पाकिस्तान, भारत या दीगर जो थर्ड वर्ल्ड के ममालिक हैं जैसे बांग्लादेश है, ऐसे यहाँ पे हमारे बरसगीर में ऐसी ख़वातीन हैं जो यानी कि अपने बच्चों के ऊपर शादियों के बाद भी हाकमियत चलाती हैं, जिसकी वजह से वो आगे जो बच्चे हैं जब बड़े हो जाते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी चलाना चाहते हैं लेकिन वालदैन अपनी चलाना चाहते हैं, जिसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं और ऐसी फिर दूरियाँ पैदा हो जाती हैं और आपस में मसाइल पैदा होते हैं तो हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन मसाइल का सामना करना पड़ता है इन लोगों को, जिसमें बच्चे भी शामिल होते हैं, ख़वातीन भी शामिल होती हैं, बुज़ुर्ग भी शामिल होते हैं। तो यही इस ड्रामे का थीम था कि आखिर में हाला और हमज़ा की जो है जोड़ी को उन्होंने दोबारा एक साथ कर दिया, उनकी गलत फहमियाँ ख़त्म हो गई हैं, शाहजहाँ बेगम के साथ भी मामला दिखा दिए हैं और वो जो दूसरे हैं उसकी शादियाँ वगैरह हो गई हैं जो जो यानी कि एक दूसरे से को पसंद करते थे, उसमें रूमी की भी शादी हो गई है और ये जो दूसरी लड़की थी उसकी भी हो गई है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अब अगले हफ्ते नया ड्रामा ARY डिजिटल पर आ जाएगा जिसके प्रोमोज आना शुरू हो गए हैं, शायद इनका जो ड्रामा बेटियाँ हैं वो शुरू हो इसके ऊपर,
और एक और ड्रामा भी आ रहा है, वो भी शायद अगले यानी कि जो आएगा तारीख अगले जुमेरात को उसको वो आ जाएगा। टीज़र जारी हो चुके हैं, इनके ड्रामों के प्रोमोज आना शुरू हो गया है। तो ये ड्रामा एक अच्छा ड्रामा रहा है जो 40 किस्सों पर मुहित था। काफ़ी इसके अंदर इंटरेस्टिंग पॉइंट आए और काफ़ी लोगों ने इसको सराहा भी है और काफ़ी लोग इसको देखते रहे हैं पाकिस्तान टीवी चैनल्स के ऊपर। पाकिस्तान की जो दुनिया भर में कम्युनिटी मौजूद है, ख़ासकर भारत के अंदर भी इस ड्रामे को पसंद किया गया है, बांग्लादेश के अंदर भी पसंद किया गया है। इसके अलावा दीगर मैंने देखा है कि जो मेरी ऑडियंस है जो इस ड्रामे को यानी कि जिन लोगों ने देखा, तो मैं भी कुछ इस तरह की बनाता रहा हूँ वीडियोस, और तो उसके ऊपर पाकिस्तान समेत दुनिया के तकरीबन 54 से 55 ममालिक हैं जहाँ पर मैंने देखा है कि इन ड्रामों को पसंद किया जाता है। उसमें अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, फिनलैंड और दूसरे जो ममालिक हैं, मराकश है, नाइजीरिया है, चिली है, आप देखें सिंगापुर है, बैंकॉक है, इस तरह के थाईलैंड जैसे मुल्कों के अंदर, स्वीडन, बेल्जियम, यूके, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएई, नेपाल, बर्मा, भूटान, कितने ममालिक हैं जो मैंने अभी आपको गिनवाए हैं। और इसके अलावा भी बहुत ममालिक हैं, यूक्रेन हत्या के जहाँ पर देखें आजकल जंग लगी हुई है वहाँ पर भी पाकिस्तानी ड्रामे पसंद किए जा रहे हैं। यूक्रेन है, रशिया और चाइना के अंदर तो ऑडियंस इतनी नहीं है, और भारत के अंदर काफ़ी लोगों ने इसको पसंद किया ड्रामे को। पाकिस्तान में तो लोग पसंद ही करते हैं कि पाकिस्तान की जो मुआशरत के ऊपर ड्रामे बनते हैं, अक्सरियत ड्रामों की जो ट्रेजिडीज़ ड्रामे होते हैं, सोशल इश्यूज़ के ऊपर ड्रामे होते हैं और समाजी मसाइल के ऊपर होते हैं ड्रामे हमारे, तो काफ़ी हिट हो जाते हैं ड्रामे, और ARY के ड्रामे काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं। इसके अलावा हम TV है, JioTV है, इनके ड्रामे भी चल रहे हैं। तो दोस्तों आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की दीगर वीडियोस में आपके लिए तैयार करता रहता हूं। तो अपने दोस्त अरसलान गोरी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। तो अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अरसलान गोरी अपने यूट्यूब चैनल के साथ। दोस्तों आज आप ड्रामा सीरियल हम सफ़र, मेरे हम सफ़र हैं, जो उसकी आखिरी किस्त आपने देख ली होगी, और ये तकरीबन 40 किस्तों पर मुहित एक ARY डिजिटल की ड्रामा सीरियल थी जो काफ़ी हिट रही और ब्लॉकबस्टर। आज इसकी आपने एपिसोड देखी होगी, जो 40वीं किस्त इसकी जारी हो चुकी है, और आपने इसमें देख लिया होगा कि जो हमज़ा हैं और हाला है, जिनके नशेब व फराज आए इस ड्रामे के अंदर, काफ़ी एक दूसरे से तंग थे, शादी होने के बावजूद एक दूसरे के ऊपर कुछ मसाइल थे उनके साथ जो आम जिंदगियों के अंदर होते हैं, इसमें उन्हीं मसाइल का अहाता किया गया था इस ड्रामा के अंदर। और हाला और हमज़ा का जो किरदार इसमें दिखाया गया है, और उसकी जो ताई जान है जो शाहजहाँ, उसका रवैया दिखाया गया है कि वो सास भी है उसकी और ताई भी है, तो कैसा वो रवैया रखती है अपनी बहू के साथ। तो ये जो हमारी माशरती ज़िंदगी के मसाइल हैं उस पर ये अहाता किया गया था, और तकरीबन 40 किस्तें इसकी मुकम्मल हो चुकी हैं और आज आखिरी किस्त है। और आपने इसमें देख लिया होगा कि जो शाहजहाँ है जो अपनी इस अना के खोल के अंदर बंद है और जो अपनी ही बातों को मनवाना चाहती है, उसका बेटा जो है वो उसे छोड़कर चला गया है ऑस्ट्रेलिया। हमज़ा की और हाला की जो आपस की बातचीत है वो दोबारा से उनकी ज़िंदगी एक दूसरे से जो गलत फहमियाँ थी वो तकरीबन ख़त्म हो गई हैं, और उसमें सबसे बड़ा जो किरदार था वो उसकी ताई थी, जो सास उसकी शाहजहाँ बेगम थी। और हमज़ा जो था उसका एक अच्छा किरदार रहा इस ड्रामे के अंदर कि वो काफ़ी उसने कंप्रोमाइज़ किया। पहले जो हाला थी वो उसका किरदार था कि वो एक मासूम सी लड़की है और काफ़ी हमदर्दियाँ थी लोगों के साथ, लेकिन ड्रामे में बार बार फिर उसके अंदर भी कुछ गलत फहमियाँ पैदा हुई, वो अपनी ईगो के अंदर आ गई, अना में आ गई, और उसने फिर हमज़ा की नाक की लकीरें निकलवा दी ड्रामे के अंदर। हमज़ा रो भी पड़ा इस ड्रामे के अंदर यानी कि अपनी बीवी के लिए, और फिर जाके हमज़ा का जो किरदार है वो इस ड्रामे के अंदर जाके एक आप समझ सकते हैं कि उसको लोगों की हमदर्दियाँ उसको हासिल हो गई, उसे सिंपथी हासिल हो गई, और हाला को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया कि जी अपना इतनी भी नहीं होना चाहिए लड़कियों को, कि अगर एक इंसान उनके साथ अच्छे तरीके से बातचीत करता है तो, और वो उसका मियाँ है, तो उसको भी चाहिए कि वो भी अपना अच्छा रवैया रखे उसके साथ, क्योंकि बंदा जो है वो सारा दिन घर से बाहर रहता है, काम शाम करता है, औरतें भी घरों में काम वगैरह करती हैं और घर पर मौजूद होती हैं, तो दोनों तरफ से मसाइल होते हैं, लेकिन बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए, यही इस ड्रामे के अंदर दिखाया गया है कि दीगर जो मसाइल हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो किरदार था शाहजहाँ बेगम का किरदार था, जिसको दिखाया गया कि उसमें काफ़ी उसने अपनी बेटी के लिए भी मुश्किल पैदा की, अपने बेटे के लिए भी की, अपनी बहू के लिए भी मुश्किल पैदा की, अपने खावन के साथ भी उसका रवैया इतना अच्छा नहीं था। और उसमें ड्रामे में कई दफ़ा तो लोगों ने यह भी कहा कि शायद आखिर में जाके शाहजहाँ को जो है वो पागल कर देंगे इस ड्रामे के अंदर, या मार देंगे, या कुछ और ऐसा
अच्छा यानी कि उसके साथ नहीं होगा, लेकिन उसमें जो एक उन्होंने समाजी पहलू जो दिखाया कि उसको सज़ा ये दी गई है कि उसका बेटा जो हमज़ा है वो अपनी बीवी और बेटी के साथ चला गया ऑस्ट्रेलिया और अपने वालदैन को अकेला छोड़कर चला गया। ये भी वालदैन के लिए एक बहुत बड़ी सज़ा होती है ज़िंदगी के अंदर कि अगर उनकी औलाद उनको छोड़कर चली जाए, क्योंकि यही मसला होता है कि सारी ज़िंदगी माँ बाप ने औलाद को पाला होता है और औलाद बाद में यही चाहती है कि मामलात अच्छे रहें। माँ बाप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि औलाद के साथ मामला ठीक रहें और औलाद भी यही चाहती है कि भाई आखिरी वक्त में भी जब यानी कि पहले तो माँ बाप ने हमें पाला है लेकिन आगे भी माँ बाप हम उनको संभालेंगे उनके साथ अच्छा रवैया रखेंगे। लेकिन जब शाहजहाँ बेगम जैसी ख़वातीन होती हैं, अक्सरियत होती है ख़वातीन की जो अपने बच्चों के मामलों में मुदाखलत करती हैं जिसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं और वो जो पाकिस्तान भारत या दीगर जो थर्ड वर्ल्ड के ममालिक हैं जैसे बांग्लादेश है ऐसे यहाँ पे हमारे बड़े सगीर में ऐसी ख़वातीन हैं जो यानी कि अपने बच्चों के ऊपर शादियों के बाद भी हाकमियत चलाती हैं जिसकी वजह से वो आगे जो बच्चे हैं जब बड़े हो जाते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी चलाना चाहते हैं लेकिन वालदैन अपनी चलाना चाहते हैं जिसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं और ऐसी फिर दूरियाँ पैदा हो जाती हैं और आपस में मसाइल पैदा होते हैं जिसकी वजह से इन मसाइल का सामना करना पड़ता है इन लोगों को जिसमें बच्चे भी शामिल होते हैं ख़वातीन भी शामिल होती हैं बुज़ुर्ग भी शामिल होते हैं। तो ये ही इस ड्रामे का थीम था कि आखिर में खाला और हमज़ा की जो है जोड़ी को उन्होंने दोबारा एक साथ कर दिया है, उनकी गलतफहमियां ख़त्म हो गई हैं, शाहजहाँ बेगम के साथ भी मामला दिखा दिए हैं और वो जो दूसरे हैं उसकी शादियां वगैरह हो गई हैं जो जो यानी कि एक दूसरे को पसंद करते थे, उसमें रूमी की भी शादी हो गई है और ये जो दूसरी लड़की थी उसकी भी हो गई है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अब अगले हफ्ते नया ड्रामा ARY डिजिटल पर आ जाएगा जिसके प्रोमोज आना शुरू हो गए हैं, शायद इनका जो ड्रामा बेटियां है वो शुरू हो इसके ऊपर और एक और ड्रामा भी आ रहा है वो भी शायद अगले यानी कि जो आएगा तारीख अगले जुमेरात को उसको वो आ जाएगा। टीज़र जारी हो चुके हैं, इनके ड्रामों के प्रोमोज आना शुरू हो गए हैं। तो ये ड्रामा एक अच्छा ड्रामा रहा है जो 40 किस्सों पर मुहित था, काफ़ी इसके अंदर इंटरेस्टिंग पॉइंट आए और काफ़ी लोगों ने इसको सराहा भी है और काफ़ी लोग इसको देखते रहे हैं पाकिस्तान TV चैनल्स के ऊपर। पाकिस्तान की जो दुनिया भर में कम्युनिटी मौजूद है, ख़ासकर भारत के अंदर भी इस ड्रामे को पसंद किया गया है, बांग्लादेश के अंदर भी पसंद किया गया है। इसके अलावा दीगर मैंने देखा है कि जो मेरी ऑडियंस है जो इस ड्रामे को यानी कि जिन लोगों ने देखा, तो मैं भी कुछ इस तरह की बनाता रहा हूँ वीडियोज़ और तो उसके ऊपर पाकिस्तान समेत दुनिया के तकरीबन 54 से 55 ममालिक हैं जहाँ पर मैंने देखा है कि इन ड्रामों को पसंद किया जाता है, उसमें अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया स्वीडन फिनलैंड और दूसरे जो ममालिक हैं मराकश है नाइजेरिया है चिली है आप देखें सिंगापुर है बैंकॉक है इस तरह के थाईलैंड जैसे मुल्कों के अंदर स्वीडन बेल्जियम UK यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका UAE नेपाल बर्मा भूटान कितने ममालिक हैं जो मैंने अभी आपको गिनवाए और इसके अलावा भी बहुत ममालिक हैं। यूक्रेन हत्या के जहाँ पे देखें आजकल जंग लगी हुई है वहाँ पर भी पाकिस्तानी ड्रामे पसंद किए जा रहे हैं। यूक्रेन है रशिया और चाइना के अंदर तो ऑडियंस इतनी नहीं है और भारत के अंदर काफ़ी लोगों ने इसको पसंद किया ड्रामे को। पाकिस्तान में तो लोग पसंद ही करते हैं कि पाकिस्तान की जो मुआशरत के ऊपर ड्रामे बनते हैं, अक्सरियत ड्रामों की जो ट्रेजिडीज ड्रामे होते हैं सोशल इश्यूज़ के ऊपर ड्रामे होते हैं और समाजी मसाइल के ऊपर होते हैं ड्रामे हमारे, तो काफ़ी हिट हो जाते हैं ड्रामे और ARY के ड्रामे काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं। इसके अलावा हम TV है Jio TV है इनके ड्रामे भी चल रहे हैं। तो दोस्तों आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, इसी तरह की दीगर वीडियोज़ में आपके लिए तैयार करता रहता हूँ। तो अपने दोस्त अरसलान गोरी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। तो अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अरसलान गोरी अपने यूट्यूब चैनल के साथ। दोस्तों आज आप ड्रामा सीरियल हम सफ़र मेरे हम सफ़र हैं जो उसकी आखिरी किस्त आपने देख ली होगी और ये तकरीबन 40 किस्तों पर मुहित एक ARY डिजिटल की ड्रामा सीरियल थी जो काफ़ी हिट रही और ब्लॉकबस्टर आज इसकी आपने एपिसोड देखी होगी जो 40वीं किस्त इसकी जारी हो चुकी है और आपने इसमें देख लिया होगा कि जो हमज़ा हैं और हाला है जिनके नशेब व फराज आए इस ड्रामे के अंदर काफ़ी एक दूसरे से
तंग थे शादी होने के बावजूद, एक दूसरे के ऊपर कुछ मसाइल थे उनके साथ जो आम जिंदगियों के अंदर होते हैं, इसमें उन्हीं मसाइल का अहाता किया गया था इस ड्रामा के अंदर। और हाला और हमज़ा का जो किरदार इसमें दिखाया गया है, और उसकी जो ताई जान है जो शाहजहाँ, उसका रवैया दिखाया गया है कि वो सास भी है उसकी और ताई भी है, तो कैसा वो रवैया रखती है अपनी बहू के साथ। तो ये जो हमारी माशरती ज़िंदगी के मसाइल हैं उस पर ये अहाता किया गया था, और तकरीबन 40 किस्तें इसकी मुकम्मल हो चुकी हैं और आज आखिरी किस्त है। और आपने इसमें देख लिया होगा कि जो शाहजहाँ है जो अपनी इस अना के खोल के अंदर बंद है और जो अपनी ही बातों को मनवाना चाहती है, उसका बेटा जो है वो उसे छोड़कर चला गया है ऑस्ट्रेलिया। हमज़ा की और खाला की जो आपस की बातचीत है वो दोबारा से उनकी ज़िंदगी एक दूसरे से जो गलत फहमियाँ थी वो तकरीबन ख़त्म हो गई हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो किरदार था वो उसकी ताई थी, जो सास उसकी शाहजहाँ बेगम थी। और हमज़ा जो था उसका एक अच्छा किरदार रहा इस ड्रामे के अंदर कि वो काफ़ी उसने कंप्रोमाइज़ किया। पहले जो हाला थी वो उसका किरदार था कि वो एक मासूम सी लड़की है और काफ़ी हमदर्दियाँ थी लोगों के साथ, लेकिन ड्रामे में बार बार फिर उसके अंदर भी कुछ गलत फहमियाँ पैदा हुई, वो अपनी ईगो के अंदर आ गई, अना में आ गई, और उसने फिर हमज़ा की नाक की लकीरें निकलवा दी ड्रामे के अंदर। हमज़ा रो भी पड़ा इस ड्रामे के अंदर, यानी कि अपनी बीवी के लिए। और फिर जाके हमज़ा का जो किरदार है वो इस ड्रामे के अंदर जाके एक आप समझ सकते हैं कि उसको लोगों की हमदर्दियाँ उसको हासिल हो गई, उसे सिंपथी हासिल हो गई। और हाला को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया कि जी अपना इतनी भी नहीं होना चाहिए लड़कियों को, कि अगर एक इंसान उनके साथ अच्छे तरीके से बातचीत करता है तो, और वो उसका मियाँ है, तो उसको भी चाहिए कि वो भी अपना अच्छा रवैया रखे उसके साथ, क्योंकि बंदा जो है वो सारा दिन घर से बाहर रहता है, काम शाम करता है, औरतें भी घरों में काम वगैरह करती हैं और घर पर मौजूद होती हैं, तो दोनों तरफ से मसाइल होते हैं, लेकिन बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए। यही इस ड्रामे के अंदर दिखाया गया कि दीगर जो मसाइल हैं, और उसमें सबसे बड़ा जो किरदार था शाहजहाँ बेगम का किरदार था, जिसको दिखाया गया कि उसमें काफ़ी उसने अपनी बेटी के लिए भी मुश्किल पैदा की, अपने बेटे के लिए भी की, अपनी बहू के लिए भी मुश्किल पैदा की, अपने खावंद के साथ भी उसका रवैया इतना अच्छा नहीं था। और उसमें ड्रामे में कई दफ़ा तो लोगों ने ये भी कहा कि शायद आखिर में जाके शाहजहाँ को जो है वो पागल कर देंगे इस ड्रामे के अंदर, या मार देंगे, या कुछ और ऐसा अच्छा यानी कि उसके साथ नहीं होगा। लेकिन उसमें जो एक उन्होंने समाजी पहलू जो दिखाया कि उसको सज़ा ये दी गई है कि उसका बेटा जो हमज़ा है वो अपनी बीवी और बेटी के साथ चला गया ऑस्ट्रेलिया और अपने वालदैन को अकेला छोड़कर चला गया, ये भी वालदैन के लिए एक बहुत बड़ी सज़ा होती है ज़िंदगी के अंदर कि अगर उनकी औलाद उनको छोड़कर चली जाए। क्योंकि यही मसला होता है कि सारी ज़िंदगी माँ बाप ने औलाद को पाला होता है और औलाद बाद में यही चाहती है कि मामलात अच्छे रहें। माँ बाप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि औलाद के साथ मामला ठीक रहें, और औलाद भी यही चाहती है कि भाई आखिरी वक्त में भी जब यानी कि पहले तो माँ बाप ने हमें पाला है, लेकिन आगे भी माँ बाप हम उनको संभालेंगे, उनके साथ अच्छा रवैया रखेंगे। लेकिन जब शाहजहाँ बेगम जैसी ख़वातीन होती हैं, अक्सरियत होती है ख़वातीन की जो अपने बच्चों के मामलों में मुदाखलत करती हैं, जिसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं, और वो जो पाकिस्तान भारत या दीगर जो थर्ड वर्ल्ड के ममालिक हैं जैसे बांग्लादेश है, ऐसे यहाँ पे हमारे बरेसगीर में ऐसी ख़वातीन हैं जो यानी कि अपने बच्चों के ऊपर शादियों के बाद भी हाकमियत चलाती हैं, जिसकी वजह से वो आगे जो बच्चे हैं जब बड़े हो जाते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी चलाना चाहते हैं, लेकिन वालदैन अपनी चलाना चाहते हैं, जिसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं और ऐसी फिर दूरियाँ पैदा हो जाती हैं और आपस में मसाइल पैदा होते हैं तो हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन मसाइल का सामना करना पड़ता है इन लोगों को, जिसमें बच्चे भी शामिल होते हैं, ख़वातीन भी शामिल होती हैं, बुज़ुर्ग भी शामिल होते हैं। तो यही इस ड्रामे का थीम था कि आखिर में हाला और हमज़ा की जो है जोड़ी को उन्होंने दोबारा एक साथ कर दिया, उनकी गलत फहमियाँ ख़त्म हो गई हैं, शाहजहाँ बेगम के साथ भी मामला दिखा दिए हैं, और वो जो दूसरे हैं उसकी शादियाँ वगैरह हो गई हैं, जो जो यानी कि एक दूसरे को पसंद करते थे, उसमें रूमी की भी शादी हो गई है और ये जो दूसरी लड़की थी उसकी भी हो गई है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अब अगले हफ्ते नया ड्रामा ARY डिजिटल पर आ जाएगा, जिसके प्रोमोज आना शुरू हो गए हैं, शायद इनका जो ड्रामा बेटियां हैं वो शुरू हो इसके ऊपर, और एक और ड्रामा भी आ रहा है वो भी शायद अगले यानी कि जो आएगा तारीख अगले जुमेरात को उसको वो आ जाएगा। टीज़र जारी हो चुके हैं, इनके ड्रामों के प्रोमोज आना शुरू हो गए हैं। तो ये ड्रामा एक अच्छा ड्रामा रहा है जो 40 किस्तों पर मुहित था, काफ़ी इसके अंदर इंटरेस्टिंग पॉइंट आए और काफ़ी लोगों ने इसको सराहा भी है, और काफ़ी लोग इसको देख रहे हैं पाकिस्तान TV चैनल्स के ऊपर, पाकिस्तान की जो दुनिया भर में कम्युनिटी मौजूद है, ख़ासकर भारत के अंदर भी इस ड्रामे को पसंद किया गया है, बांग्लादेश के अंदर भी पसंद किया गया है। इसके अलावा दीगर मैंने देखा है कि
जो मेरी ऑडियंस है जो इस ड्रामे को यानी कि जिन लोगों ने देखा, तो मैं भी कुछ इस तरह की बनाता रहा हूँ वीडियोस, और तो उसके ऊपर पाकिस्तान समेत दुनिया के तकरीबन 54 से 55 ममालिक हैं जहाँ पर मैंने देखा है कि इन ड्रामों को पसंद किया जाता है। उसमें अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, फिनलैंड और दूसरे जो ममालिक हैं, मराकश है, नाइजीरिया है, चिली है, आप देखें सिंगापुर है, बैंकॉक है, इस तरह के थाईलैंड जैसे मुल्कों के अंदर, स्वीडन, बेल्जियम, यूके, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएई, नेपाल, बर्मा, भूटान, कितने ममालिक हैं जो मैंने अभी आपको गिनवाए हैं, और इसके अलावा भी बहुत ममालिक हैं। यूक्रेन हत्या के जहाँ पे देखें आजकल जंग लगी हुई है, वहाँ पर भी पाकिस्तानी ड्रामे पसंद किए जा रहे हैं। यूक्रेन है, रशिया और चाइना के अंदर तो ऑडियंस इतनी नहीं है, और भारत के अंदर काफ़ी लोगों ने इसको पसंद किया ड्रामे को। पाकिस्तान में तो लोग पसंद ही करते हैं कि पाकिस्तान की जो मुआशरत के ऊपर ड्रामे बनते हैं, अक्सरियत ड्रामों की जो ट्रेजिडीज़ ड्रामे होते हैं, सोशल इश्यूज़ के ऊपर ड्रामे होते हैं और समाजी मसाइल के ऊपर होते हैं ड्रामे, हमारे तो काफ़ी हिट हो जाते हैं ड्रामे, और ARY के ड्रामे काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं। इसके अलावा हम TV है, JioTV है, इनके ड्रामे भी चल रहे हैं। तो दोस्तों आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की दीगर वीडियोज़ में आपके लिए तैयार करता रहता हूँ। तो अपने दोस्त अरसलान गोरी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। तो अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अरसलान गोरी अपने YouTube चैनल के साथ। दोस्तों आज आप ड्रामा सीरियल हम सफ़र, मेरे हम सफ़र हैं, जो उसकी आखिरी किस्त आपने देख ली होगी, और ये तकरीबन 40 किस्तों पर मुहित एक ARY डिजिटल की ड्रामा सीरियल थी जो काफ़ी हिट रही और ब्लॉकबस्टर। आज इसकी आपने एपिसोड देखी होगी, जो 40वीं किस्त इसकी जारी हो चुकी है, और आपने इसमें देख लिया होगा कि जो हमज़ा हैं और हाला है, जिनके नशेब व फराज आए इस ड्रामे के अंदर, काफ़ी एक दूसरे से तंग थे, शादी होने के बावजूद एक दूसरे के ऊपर कुछ मसाइल थे उनके साथ जो आम जिंदगियों के अंदर होते हैं, इसमें उन्हीं मसाइल का अहाता किया गया था इस ड्रामा के अंदर। और हाला और हमज़ा का जो किरदार इसमें दिखाया गया है, और उसकी जो ताई जान है जो शाहजहाँ, उसका रवैया दिखाया गया है कि वो सास भी है उसकी और ताई भी है, तो कैसा वो रवैया रखती है अपनी बहू के साथ। तो ये जो हमारी माशरती ज़िंदगी के मसाइल हैं उस पर ये अहाता किया गया था, और तकरीबन 40 किस्तें इसकी मुकम्मल हो चुकी हैं और आज आखिरी किस्त है। और आपने इसमें देख लिया होगा कि जो शाहजहाँ है, जो अपनी इस अना के खोल के अंदर बंद है और जो अपनी ही बातों को मनवाना चाहती है, उसका बेटा जो है वो उसे छोड़कर चला गया है ऑस्ट्रेलिया। हमज़ा की और हाला की जो आपस की बातचीत है, वो दोबारा से उनकी ज़िंदगी एक दूसरे से जो गलत फहमियाँ थी वो तकरीबन ख़त्म हो गई हैं, और उसमें सबसे बड़ा जो किरदार था वो उसकी ताई थी, जो सास उसकी शाहजहाँ बेगम थी। और हमज़ा जो था उसका एक अच्छा किरदार रहा इस ड्रामे के अंदर, कि वो काफ़ी उसने कंप्रोमाइज़ किया। पहले जो हाला थी वो उसका किरदार था कि वो एक मासूम सी लड़की है और काफ़ी हमदर्दियाँ थी लोगों के साथ, लेकिन ड्रामे में बार बार फिर उसके अंदर भी कुछ गलत फहमियाँ पैदा हुई, वो अपनी ईगो के अंदर आ गई, अना में आ गई, और उसने फिर हमज़ा की नाक की लकीरें निकलवा दी ड्रामे के अंदर। हमज़ा रो भी पड़ा इस ड्रामे के अंदर, यानी कि अपनी बीवी के लिए। और फिर जाके हमज़ा का जो किरदार है वो इस ड्रामे के अंदर जाके एक आप समझ सकते हैं कि उसको लोगों की हमदर्दियाँ उसको हासिल हो गई, उसे सिंपथी हासिल हो गई, और हाला को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया कि जी अपना इतनी भी नहीं होना चाहिए लड़कियों को, कि अगर एक इंसान उनके साथ अच्छे तरीके से बातचीत करता है तो, और वो उसका मियाँ है, तो उसको भी चाहिए कि वो भी अपना अच्छा रवैया रखे उसके साथ, क्योंकि बंदा जो है वो सारा दिन घर से बाहर रहता है, काम शाम करता है, औरतें भी घरों में काम वगैरह करती हैं और घर पर मौजूद होती हैं, तो दोनों तरफ से मसाइल होते हैं, लेकिन बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए, यही इस ड्रामे के अंदर दिखाया गया है कि दीगर जो मसाइल हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो किरदार था शाहजहाँ बेगम का किरदार था, जिसको दिखाया गया कि उसमें काफ़ी उसने अपनी बेटी के लिए भी मुश्किल पैदा की, अपने बेटे के लिए भी की, अपनी बहू के लिए भी मुश्किल पैदा की, अपने खावन के साथ भी उसका रवैया इतना अच्छा नहीं था। और उसमें ड्रामे में कई दफ़ा तो लोगों ने ये भी कहा कि शायद आखिर में जाके शाहजहाँ को जो है वो पागल कर देंगे इस ड्रामे के अंदर, या मार देंगे, या कुछ और ऐसा अच्छा यानी कि उसके साथ नहीं होगा। लेकिन उसमें जो एक उन्होंने समाजी पहलू जो दिखाया कि उसको सज़ा ये दी गई है कि उसका बेटा जो हमज़ा है वो अपनी बीवी और बेटी के साथ चला गया ऑस्ट्रेलिया और अपने वालदैन को अकेला छोड़कर चला गया, ये भी वालदैन के लिए एक बहुत बड़ी सज़ा होती है ज़िंदगी के अंदर, कि अगर उनकी औलाद उनको छोड़कर चली जाए, क्योंकि यही मसला होता है कि सारी ज़िंदगी माँ बाप ने औलाद को पाला होता है और औलाद बाद में यही चाहती है कि मामला अच्छे रहें। माँ बाप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि औलाद के साथ मामला ठीक रहें, और औलाद भी यही चाहती है कि भाई आखिरी वक्त में भी जब यानी कि पहले तो माँ बाप ने हमें पाला है,
लेकिन आगे भी माँ बाप हम उनको संभालेंगे, उनके साथ अच्छा रवैया रखेंगे। लेकिन जब शाहजहाँ बेगम जैसी खवातीन होती हैं, अक्सरियत होती है खवातीन की जो अपने बच्चों के मामलों में मुदाखलत करती हैं, जिसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं, और वो जो पाकिस्तान, भारत या दीगर जो थर्ड वर्ल्ड के ममालिक हैं, जैसे बांग्लादेश है, ऐसे यहाँ पे हमारे बड़े सगीर में ऐसी खवातीन हैं जो यानी कि अपने बच्चों के ऊपर शादियों के बाद भी हाकमियत चलाती हैं, जिसकी वजह से वो आगे जो बच्चे हैं जब बड़े हो जाते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी चलाना चाहते हैं, लेकिन वालदैन अपनी चलाना चाहते हैं, जिसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं और ऐसी फिर दूरियाँ पैदा हो जाती हैं और आपस में मसाइल पैदा होते हैं जिसकी वजह से इन मसाइल का सामना करना पड़ता है इन लोगों को, जिसमें बच्चे भी शामिल होते हैं, ख़वातीन भी शामिल होती हैं, बुज़ुर्ग भी शामिल होते हैं। तो यही इस ड्रामे का थीम था कि आखिर में खाला और हमज़ा की जो है जोड़ी को उन्होंने दोबारा एक साथ कर दिया, उनकी गलतफहमियां ख़त्म हो गई हैं, शाहजहाँ बेगम के साथ भी मामला दिखा दिए हैं, और वो जो दूसरे हैं उसकी शादियां वगैरह हो गई हैं, जो जो यानी कि एक दूसरे को पसंद करते थे, उसमें रूमी की भी शादी हो गई है और ये जो दूसरी लड़की थी उसकी भी हो गई है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अब अगले हफ्ते नया ड्रामा ARY डिजिटल पर आ जाएगा, जिसके प्रोमोज आना शुरू हो गए हैं, शायद इनका जो ड्रामा बेटियाँ हैं वो शुरू हो इसके ऊपर, और एक और ड्रामा भी आ रहा है वो भी शायद अगले यानी कि जो आएगा तारीख अगले जुमेरात को उसको वो आ जाएगा। टीज़र जारी हो चुके हैं, इनके ड्रामों के प्रोमोज आना शुरू हो गए हैं। तो ये ड्रामा एक अच्छा ड्रामा रहा है जो 40 किस्सों पर मुहित था, काफ़ी इसके अंदर इंटरेस्टिंग पॉइंट आए और काफ़ी लोगों ने इसको सराहा भी है और काफ़ी लोग इसको देखते रहे हैं पाकिस्तान TV चैनल्स के ऊपर। पाकिस्तान की जो दुनिया भर में कम्युनिटी मौजूद है, ख़ासकर भारत के अंदर भी इस ड्रामे को पसंद किया गया है, बांग्लादेश के अंदर भी पसंद किया गया है। इसके अलावा दीगर मैंने देखा है कि जो मेरी ऑडियंस है जो इस ड्रामे को यानी कि जिन लोगों ने देखा, तो मैं भी कुछ इस तरह की बनाता रहा हूँ वीडियोज़, और तो उसके ऊपर पाकिस्तान समेत दुनिया के तकरीबन 54 से 55 ममालिक हैं जहाँ पर मैंने देखा है कि इन ड्रामों को पसंद किया जाता है, उसमें अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, फिनलैंड और दूसरे जो ममालिक हैं, मराकश है, नाइजेरिया है, चिली है, आप देखें सिंगापुर है, बैंकॉक है, इस तरह के थाईलैंड जैसे मुल्कों के अंदर, स्वीडन, बेल्जियम, UK, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, UAE, नेपाल, बर्मा, भूटान, कितने ममालिक हैं जो मैंने अभी आपको गिनवाए, और इसके अलावा भी बहुत ममालिक हैं। यूक्रेन हत्या के जहाँ पे देखें आजकल जंग लगी हुई है, वहाँ पर भी पाकिस्तानी ड्रामे पसंद किए जा रहे हैं। यूक्रेन है, रशिया और चाइना के अंदर तो ऑडियंस इतनी नहीं है, और भारत के अंदर काफ़ी लोगों ने इसको पसंद किया ड्रामे को। पाकिस्तान में तो लोग पसंद ही करते हैं कि पाकिस्तान की जो मुआशरत के ऊपर ड्रामे बनते हैं, अक्सरियत ड्रामों की जो ट्रेजिडीज ड्रामे होते हैं, सोशल इश्यूज़ के ऊपर ड्रामे होते हैं और समाजी मसाइल के ऊपर होते हैं ड्रामे हमारे, तो काफ़ी हिट हो जाते हैं ड्रामे, और ARY के ड्रामे काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं। इसके अलावा हम TV है, Jio TV है, इनके ड्रामे भी चल रहे हैं। तो दोस्तों आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, इसी तरह की दीगर वीडियोज़ में आपके लिए तैयार करता रहता हूँ। तो अपने दोस्त अरसलान गोरी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। तो अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अरसलान गोरी अपने यूट्यूब चैनल के साथ। दोस्तों आज आप ड्रामा सीरियल हम सफ़र, मेरे हम सफ़र हैं, जो उसकी आखिरी किस्त आपने देख ली होगी, और ये तकरीबन 40 किस्तों पर मुहित एक ARY डिजिटल की ड्रामा सीरियल थी जो काफ़ी हिट रही और ब्लॉकबस्टर, आज इसकी आपने एपिसोड देखी होगी, जो 40वीं किस्त इसकी जारी हो चुकी है, और आपने इसमें देख लिया होगा कि जो हमज़ा हैं और हाला है, जिनके नशेब व फराज आए इस ड्रामे के अंदर, काफ़ी एक दूसरे से तंग थे शादी होने के बावजूद, एक दूसरे के ऊपर कुछ मसाइल थे उनके साथ जो आम जिंदगियों के अंदर होते हैं, इसमें उन्हीं मसाइल का अहाता किया गया था इस ड्रामा के अंदर, और हाला और हमज़ा का जो किरदार इसमें दिखाया गया है, और उसकी जो ताई जान है जो शाहजहाँ, उसका रवैया दिखाया गया है कि वो सास भी है उसकी और ताई भी है, तो कैसा वो रवैया रखती है अपनी बहू के साथ। तो ये जो हमारी माशरती ज़िंदगी के मसाइल हैं उस पर ये अहाता किया गया था, और तकरीबन 40 किस्तें इसकी मुकम्मल हो चुकी हैं और आज आखिरी किस्त है। और आपने इसमें देख लिया होगा कि जो शाहजहाँ है जो अपनी इस अना के खोल के अंदर बंद है और जो अपनी ही बातों को मनवाना चाहती है, उसका बेटा जो है वो उसे छोड़कर चला गया है ऑस्ट्रेलिया। हमज़ा की और हाला की जो आपस की बातचीत है वो दोबारा से उनकी ज़िंदगी एक दूसरे से जो गलतफहमियाँ थी वो तकरीबन ख़त्म हो गई हैं, और उसमें सबसे बड़ा जो किरदार था वो उसकी ताई थी, जो सास उसकी शाहजहाँ बेगम थी,
और हमज़ा जो था उसका एक अच्छा किरदार रहा इस ड्रामे के अंदर, कि वो काफ़ी उसने कंप्रोमाइज़ किया। पहले जो हाला थी वो उसका किरदार था कि वो एक मासूम सी लड़की है और काफ़ी हमदर्दियाँ थी लोगों के साथ, लेकिन ड्रामे में बार बार फिर उसके अंदर भी कुछ गलत फहमियाँ पैदा हुई, वो अपनी ईगो के अंदर आ गई, अना में आ गई, और उसने फिर हमज़ा की नाक की लकीरें निकलवा दी ड्रामे के अंदर। हमज़ा रो भी पड़ा इस ड्रामे के अंदर, यानी कि अपनी बीवी के लिए। और फिर जाके हमज़ा का जो किरदार है वो इस ड्रामे के अंदर जाके एक आप समझ सकते हैं कि उसको लोगों की हमदर्दियाँ उसको हासिल हो गई, उसे सिंपथी हासिल हो गई, और हाला को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया कि जी अपना इतनी भी नहीं होना चाहिए लड़कियों को, कि अगर एक इंसान उनके साथ अच्छे तरीके से बातचीत करता है तो, और वो उसका मियाँ है, तो उसको भी चाहिए कि वो भी अपना अच्छा रवैया रखे उसके साथ, क्योंकि बंदा जो है वो सारा दिन घर से बाहर रहता है, काम शाम करता है, औरतें भी घरों में काम वगैरह करती हैं और घर पर मौजूद होती हैं, तो दोनों तरफ से मसाइल होते हैं, लेकिन बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए। यही इस ड्रामे के अंदर दिखाया गया है कि दीगर जो मसाइल हैं, और उसमें सबसे बड़ा जो किरदार था शाहजहाँ बेगम का किरदार था, जिसको दिखाया गया कि उसमें काफ़ी उसने अपनी बेटी के लिए भी मुश्किल पैदा की, अपने बेटे के लिए भी की, अपनी बहू के लिए भी मुश्किल पैदा की, अपने खावन के साथ भी उसका रवैया इतना अच्छा नहीं था। और उसमें ड्रामे में कई दफ़ा तो लोगों ने ये भी कहा कि शायद आखिर में जाके शाहजहाँ को जो है वो पागल कर देंगे इस ड्रामे के अंदर, या मार देंगे, या कुछ और ऐसा अच्छा यानी कि उसके साथ नहीं होगा। लेकिन उसमें जो एक उन्होंने समाजी पहलू जो दिखाया कि उसको सज़ा ये दी गई है कि उसका बेटा जो हमज़ा है वो अपनी बीवी और बेटी के साथ चला गया ऑस्ट्रेलिया और अपने वालदैन को अकेला छोड़कर चला गया, ये भी वालदैन के लिए एक बहुत बड़ी सज़ा होती है ज़िंदगी के अंदर, कि अगर उनकी औलाद उनको छोड़कर चली जाए, क्योंकि यही मसला होता है कि सारी ज़िंदगी माँ बाप ने औलाद को पाला होता है और औलाद बाद में यही चाहती है कि मामला अच्छे रहें। माँ बाप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि औलाद के साथ मामला ठीक रहें, और औलाद भी यही चाहती है कि भाई आखिरी वक्त में भी जब, यानी कि पहले तो माँ बाप ने हमें पाला है, लेकिन आगे भी माँ बाप हम उनको संभालेंगे, उनके साथ अच्छा रवैया रखेंगे। लेकिन जब शाहजहाँ बेगम जैसी खवातीन होती हैं, अक्सरियत होती है खवातीन की जो अपने बच्चों के मामलों में मुदाखलत करती हैं, जिसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं, और वो जो पाकिस्तान, भारत या दीगर जो थर्ड वर्ल्ड के ममालिक हैं जैसे बांग्लादेश है, ऐसे यहाँ पे हमारे बरेसगीर में ऐसी खवातीन हैं जो यानी कि अपने बच्चों के ऊपर शादियों के बाद भी हाकमियत चलाती हैं, जिसकी वजह से वो आगे जो बच्चे हैं जब बड़े हो जाते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी चलाना चाहते हैं, लेकिन वालदैन अपनी चलाना चाहते हैं, जिसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं और ऐसी फिर दूरियाँ पैदा हो जाती हैं, और आपस में मसाइल पैदा होते हैं तो हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन मसाइल का सामना करना पड़ता है इन लोगों को, जिसमें बच्चे भी शामिल होते हैं, ख़वातीन भी शामिल होते हैं, बुज़ुर्ग भी शामिल होते हैं। तो यही इस ड्रामे का थीम था कि आखिर में हाला और हमज़ा की जो है जोड़ी को उन्होंने दोबारा एक साथ कर दिया, उनकी गलत फहमियाँ ख़त्म हो गई हैं, शाहजहाँ बेगम के साथ भी मामला दिखा दिए हैं, और वो जो दूसरे हैं उसकी शादियां वगैरह हो गई हैं, जो जो यानी कि एक दूसरे से को पसंद करते थे, उसमें रूमी की भी शादी हो गई है और ये जो दूसरी लड़की थी उसकी भी हो गई है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अब अगले हफ्ते नया ड्रामा ARY डिजिटल पर आ जाएगा, जिसके प्रोमोज आना शुरू हो गए हैं, शायद इनका जो ड्रामा बेटियाँ हैं वो शुरू हो इसके ऊपर, और एक और ड्रामा भी आ रहा है वो भी शायद अगले यानी कि जो आएगा तारीख अगले जुमेरात को उसको वो आ जाएगा। टीज़र जारी हो चुके हैं, इनके ड्रामों के प्रोमोज आना शुरू हो गए हैं। तो ये ड्रामा एक अच्छा ड्रामा रहा है जो 40 किस्सों पर मुहित था, काफ़ी इसके अंदर इंटरेस्टिंग पॉइंट आए और काफ़ी लोगों ने इसको सराहा भी है, और काफ़ी लोग इसको देखते रहे हैं पाकिस्तान TV चैनल्स के ऊपर। पाकिस्तान की जो दुनिया भर में कम्यूनिटी मौजूद है, ख़ासकर भारत के अंदर भी इस ड्रामे को पसंद किया गया है, बांग्लादेश के अंदर भी पसंद किया गया है। इसके अलावा दीगर मैंने देखा है कि जो मेरी ऑडियंस है जो इस ड्रामे को यानी कि जिन लोगों ने देखा, तो मैं भी कुछ इस तरह की बनाता रहा हूँ वीडियोस, और तो उसके ऊपर पाकिस्तान समेत दुनिया के तकरीबन 54 से 55 ममालिक हैं जहाँ पर मैंने देखा है कि इन ड्रामों को पसंद किया जाता है, उसमें अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, फिनलैंड और दूसरे जो ममालिक हैं, मराकश है, नाइजेरिया है, चिल्ली है, आप देखें सिंगापुर है, बैंकॉक है, इस तरह के थाईलैंड जैसे मुल्कों के अंदर, स्वीडन, बेल्जियम, UK, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, UAE, नेपाल, बर्मा, भूटान, कितने ममालिक हैं जो मैंने अभी आपको गिनवाए हैं, और इसके अलावा भी बहुत ममालिक हैं। यूक्रेन हत्या के जहाँ पर देखें आजकल जंग लगी हुई है, वहाँ पर भी पाकिस्तानी ड्रामे पसंद किए जा रहे हैं। यूक्रेन है, रशिया और चाइना के अंदर तो ऑडियंस इतनी नहीं है, और
भारत के अंदर काफ़ी लोगों ने इसको पसंद किया ड्रामे को, पाकिस्तान में तो लोग पसंद ही करते हैं कि पाकिस्तान की जो मुआशरत के ऊपर ड्रामे बनते हैं। अक्सरियत ड्रामों की जो ट्रेजिडीज़ ड्रामे होते हैं, सोशल इश्यूज़ के ऊपर ड्रामे होते हैं और समाजी मसाइल के ऊपर होते हैं ड्रामे, हमारे तो काफ़ी हिट हो जाते हैं ड्रामे और ARY के ड्रामे काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं। इसके अलावा हम TV है, JioTV है, इनके ड्रामे भी चल रहे हैं। तो दोस्तों आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की दीगर वीडियोज़ में आपके लिए तैयार करता रहता हूँ। तो अपने दोस्त अरसलान गोरी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। तो अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।